सुंदरी नामक वन में एक विशाल जामुन का पेड़ था। गर्मियों का मौसम था, पेड़ पर बड़े ही स्वादिष्ट जामुन लगे हुए थे। बंदरों का झुंड जामुन के पेड़ पर लगा रहता था। सभी बंदर उस पेड़ पर खेला खुदा करते और जामुन तोड़कर खाते थे। एक बंदर काफी शरारती था। वह शरारत करते करते अपनी नाक में जामुन की गुठली अटका लेता है। काफी मशक्कत के बाद भी वह जामुन की गुठली नहीं निकाल पाता। अपने द्वारा किए गए प्रयासों से हारकर वह आदमियों की बस्ती में गया। गांव में उसे एक हजाम दिखाई दिया। बंदर हजाम से गुठली निकालने के लिए कहता है, किंतु हजाम ऐसा करने से मना करता है। हजाम कहता है, तुम्हारी नाक कट भी सकती है। बंदर बोलता है कि नाक कट जाएगी तो कट जाए, मगर यह गुठली निकालो। हजाम उसके नाक में नरहन नाखून काटने वाला औजार डालकर गुठली निकालने का प्रयास करता है, किंतु अचानक उसकी नाक कट जाती है। अब वह बंदर रोने और चिल्लाने लगता है, मेरा नाक लौटाओ, नहीं तो नरहन दो। हजाम नाक तो लौटा नहीं सकता था, उसने बंदर को नरहन दे दिया।